सो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ अपनी खास वीडियो में। और इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत ही अहम होने वाली है। जो लोग फिल्म बनाते हैं या फिर अपना टीवी सीरियल बनाते हैं या वेब सीरीज बनाते हैं, दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी है वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप चाहे छोटे फिल्म में करो चाहे आप बड़े फिल्म में करो, जब भी आप कोई काम करते हैं आप अपना लीगल तरीके से काम करने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें आप अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाते हैं, डायरेक्टर कार्ड को रजिस्टर्ड करवाते हैं, यहाँ तक कि आप अपना राइटर कार्ड रजिस्टर्ड करवाते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो फिल्म हो या फिर आपकी वेब सीरीज है, टीवी सीरियल है, एपिसोड है, तो उसका एक नाम होता है, पर्टिकुलर नाम जो होता है उसको टाइटल बोलते हैं, इंडस्ट्री की भाषा में टाइटल होता है। तो टाइटल भी आपको रजिस्टर्ड करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, मतलब कि वो प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करवा लेते हैं, बाकी के जो भी हैं जैसे राइटर कार्ड, डायरेक्टर कार्ड, कैमरामैन कार्ड या टेक्नीशियन कार्ड या जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो कार्ड वगैरह सारी चीज़ों की बनवा लेते हैं, हर तरह के लाइसेंस बनवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो टाइटल रजिस्टर्ड नहीं करते, जबकि टाइटल रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो नाम मात्र ही होती है और उसकी वैलिडिटी भी आपको एक साल की मिलती है। जब भी आप कोई टाइटल करवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी के साथ में कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी कंडीशन मैं आपको सारी बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की जानकारी आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप पहले से मेरे YouTube फैमिली से जुड़े हुए हैं तो आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इतना सा काम कर दीजिए, इस वीडियो के बारे में कोई मन में सवाल आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई राय देना चाहे तो वो बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक मत करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है ना। नहीं दोस्त, ऐसा मत करना यार, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मिलता आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, बस इतना सा आप काम कर दीजिएगा। चलिए अब मैं वीडियो की बात की जो जानकारी है वो शुरू करता हूँ। देखिए, जब भी अगर आपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर करवा लिया है, आपने अपना प्रोडक्शन हाउस विफा या इम्फा से रजिस्ट्रेशन करके अपना कार्ड और सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, अब आप कोई फिल्म का निर्माण करना चाह रहे हैं तो उसका एक टाइटल नाम होता है, उस टाइटल को रजिस्टर्ड जरूर कराइए। वो आपका प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से ही होता है और उसके लिए आपको प्रोडक्शन हाउस का लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे बहुत सारी कॉल्स आती है मेरी वीडियोज़ को देख के कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है और हमें अपना टाइटल रजिस्टर्ड करना है। उनको ये समझ में आ जाता है वीडियो देख के, क्योंकि वो वीडियो देखते हैं सिर्फ टाइटल वाली, बाकी की वीडियो शायद वो नहीं देखते हैं या फिर उनको मिलती नहीं, तो टाइटल की वीडियो देख के इतना तो वो समझ जाते हैं कि हमारा जो हम फिल्म बना रहे हैं या एल्बम बना रहे हैं या शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि टाइटल रजिस्टर्ड करना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो मुझे सीधा कॉल या मैसेज करते हैं कि सर हम लोगों को फिल्म या शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज का एक टाइटल रजिस्टर्ड करवाना है, सर प्लीज़ बताइए आगे क्या करना है, मुझे क्या प्रोसेस अपनाना है, आपके द्वारा ही करवाना है। वो इतना समझ जाते हैं कि हम करना ज़रूरी है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड किया हुआ है। जो लोग मेरे द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं बहुत ही कम चांस होते हैं कि मैं उन्हें भूल जाता हूँ। लगभग मैं अब तक 100 प्लस से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ और टाइटल तो लगभग हज़ारों के आसपास में करवा चुका हूँ, चाहे वो शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज हो, तो मैं बहुत कम चांस होते हैं कि मैं जिसका मैंने प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड किया हो मैं उसे भूल जाता हूँ, बहुत ही कम चांस होते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसने मेरे द्वारा काम कराया है और वो टाइटल रजिस्टर्ड करने के लिए बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ इन्होंने रजिस्टर्ड प्रोडक्शन हाउस करवा रखा है तो टाइटल करवाना है। उनसे मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता हूँ, जो जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हें बता देता हूँ। कुछ लोग नए आते हैं जिनकी प्रोफाइल देख के भी मुझे लग जाता है कि हाँ ये बंदा नया है इंडस्ट्री में, और उनकी बातचीत से भी नज़र आ जाता है, और फिर मैं आखिर में पूछ भी लेता हूँ कि क्या आपके पास प्रोडक्शन हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आपने कहीं से प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर्ड करवाया है इम्फा से या विफा से। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर हमने MSME करा रखा है, उद्योग आधार से रजिस्टर्ड करवा रखा है, जबकि उद्योग आधार फिल्म इंडस्ट्री में कोई मान्य नहीं रखता है। उद्योग आधार का जो काम होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री सर्टिफिकेट होता है, उससे आप अपनी कंपनी के माध्यम से लोन वगैरह अप्रूव करवा सकते हैं या कंपनी का एक बैंक अकाउंट वगैरह खोलने में मदद होता है,
उसके आगे की जो प्रोसेस होते हैं, क्या क्या हेल्प कर सकता है कंपनी को, वो उनकी उद्योग आधार की वेबसाइट पे मिल जाता है। बट उसको उसका जो काम होता है वो फिल्म के टाइटल को रजिस्टर्ड करना या फिल्म को रिलीज करवाना या फिल्म को सेंसर करवाना उसके काम में नहीं आता है। तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि आपने प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाया है, तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो करवा चुके होते हैं वो अपना सीधा कार्ड भेज देते हैं कि हाँ मैंने करा रखा है, मुझे समझ में आ जाता है, मैं उनका आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो पूछते हैं कि सर टाइटल मतलब रजिस्ट्रेशन कैसा, प्रोडक्शन हाउस कैसा, कहाँ से क्या। तो मुझे समझ में आ जाता है कि इन्होंने जो वीडियो देखी है केवल टाइटल वाली देखी है, बाकी की वीडियो उन्होंने नहीं देखी है। और टाइटल की वीडियो देख के उनको लग जाता है कि हाँ मुझे टाइटल करवाना चाहिए। तो टाइटल की जो फीस होती है नॉर्मली एसोसिएशन में जो फीस होती है वो 250 रुपया होती है, जिसमें 90 दिन का समय होता है कोई भी टाइटल या कोई भी नाम आपको रजिस्टर करके मिल जाता है। अगर इस बीच में वो टाइटल किसी से मैच होता है तो वो टाइटल रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में 90 दिन का किसी के पास समय नहीं होता। हम लोग जो काम करते हैं वो लिंक से करते हैं, यानी कि एसोसिएशन के कुछ लोगों से हमारे लिंक है, तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट का काम जल्दी हो जाए। अब जल्दी होगा जाहिर सी बात है, इमरजेंसी में अस्पताल में भी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, इमरजेंसी में हर जगह पे एक अलग चार्जेस होते हैं, तो ऐसे ही एसोसिएशन में इमरजेंसी चार्जेस हमारे अलग होते हैं। तो हम लोग एक टाइटल की जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपया रखते हैं। तो 1000 रुपये में आपका टाइटल 1 या 2 दिन में आपको रजिस्टर करके मिल जाता है। ये तो हो गया एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस टाइटल का। लेकिन आगे जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ वो आगे आप समझिए, और कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं दिखा भी पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा, तो आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये हमारे सर हैं, इन्होंने हमसे अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाया था हाल फिलहाल में ही, और इन्होंने मुझे एक टाइटल दिया था। टाइटल का जो नाम था वो इन्होंने मुझे लिख कर भेजा कि मुझे ये वाला टाइटल रजिस्टर्ड करवाना है, और उन्होंने मुझे कॉल भी की थी, 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल पे दूसरा टाइटल बताया था और लिखकर कुछ और भेजा था। और जब हम व्हाट्सएप पे लिखवा कर मंगाते हैं तो हम स्पेलिंग के साथ में मंगाते हैं कि कोई मान के चलो मैं सचिन लिखता हूँ, हो सकता है सचिन कोई दूसरे तरीके से लिखता हो, सुनील सेट्टी है, सुनील का नाम SUNIL सुनील होता है नॉर्मली, लेकिन सुनील जो सेट्टी हैं वो उनकी स्पेलिंग बहुत अलग होती है, वो SUNEL ऐसे करके लगाते हैं, तो उनकी अलग है। तो कौन कैसे लिखता है स्पेलिंग को हमें नहीं पता ना, तो हम लोग कहते हैं कि वो स्पेलिंग लिख कर हमें भेजे बाकायदा कि वो कौन सी फीचर फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है या लैंग्वेज कौन सी भाषा में है, तो हम लिख कर व्हाट्सएप पर मंगा लेते हैं। तो उन्होंने मुझे लिख कर भेजा टाइटल। जब उन्होंने लिख कर भेजा तो एक बार को मुझे लगा कि यार इन्होंने कॉल पर कुछ और बताया था टाइटल का नाम और लिख कर कुछ और भेजा, तो मुझे यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हुआ, मुझे ये हुआ कि शायद मुझे कॉल पे मुझे ही समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा कुछ, क्योंकि वो मिलता जुलता नाम है। इन्होंने मुझे लिख कर भेजा असली चेला, ठीक है, और उन्होंने मुझे कॉल पे बताया था असली चेहरा। तो दोनों में फ़र्क है, असली चेला और असली चेहरा। जब उन्होंने असली चेला मुझे लिख कर भेजा, व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, तो मैंने सोचा शायद मुझे सुनने में परेशानी होगी क्योंकि साउंड वगैरह होता रहता है आसपास, और कभी कभी नेटवर्क की कंजेक्शन की वजह से भी कुछ चीज़ें वर्ड समझ में नहीं आते, तो मैंने सोचा शायद मैंने ही गलती से सुना होगा कुछ। तो जब इन्होंने लिख कर भेजा है बाकायदा आराम से, तो शायद यही सही टाइटल होगा। मैंने वो एसोसिएशन को भेज कर रजिस्टर्ड करवा दिया। जैसे ही मैं सर को रजिस्ट्रेशन की उनकी रसीद भेजता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर ये रॉन्ग टाइटल रजिस्टर्ड हो गया। मैंने पूछा सर कैसे, उन्होंने कहा सर मैं कुछ और रजिस्टर्ड करवाना चाहता था, ये कुछ और करवा दिया आपने। और मैंने कहा सर ये तो आपने ही लिखकर मुझे भेजा था, तो उन्होंने कहा सर ये तो मिस्टेक हो गई, लिखने में मिस्टेक है, अब इसको सही करवाइए। मैंने कहा सही क्या करना है सर, असली चेहरा करवाना है। अब यहाँ पे उन्होंने तो बोल दिया, परेशानी मुझे आई है क्योंकि दोबारा पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा और पहला जो टाइटल है वो रिजेक्ट भी करवाना पड़ेगा। अब दो कंडीशन होती है, या तो आप उस टाइटल को रिजेक्ट करवा के आगे का जो प्रोसेस है अपनाना है, एप्लीकेशन वगैरह दे के लिख के कि हमें ये टाइटल नहीं चाहिए, गलती से हो गया रजिस्टर्ड है तो दूसरा टाइटल करवा दीजिएगा प्लीज़, तो कमेटी डिसाइड करती है कि ये देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पे कमेटी का खेल है, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं होता है। या फिर दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जो टाइटल गलत हो गया उसे आप रखिए, उस पर चाहे तो अगली फिल्म लिखवा लीजिए या कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना लीजिए उस पर, वो आपका टाइटल अपना है, और दूसरे टाइटल अपना नया वाला करवा लीजिए। तो दो प्रोसेस होते हैं। उन्होंने कहा सर ठीक करवा दिए। मैंने कहा ठीक है चलो ठीक करवाता हूँ। अगले दिन मैंने उसको जैसे तैसे करके ठीक कराया, और सर ने मुझे कुछ पे भी किया था, जो हमारे चार्जेस खर्च हुए वो पे भी किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि उसमें समय भी बेकार होता है। हो सकता था कि मेरे पास अगले दिन का समय नहीं होता, या एसोसिएशन में कोई दिक्कतें होती है, छुट्टी होती है, वो मना कर देते हैं। तो ऐसे में हम लोग टाइटल को व्हाट्सएप पे लिखवा कर मंगाते हैं स्पेलिंग के साथ में। तो जो स्पेलिंग आप लिख रहे हैं, कभी कभी हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्पेलिंग को गलत तरीके से टाइप कर देता है। हम लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन एकदम से गलत टाइप हो जाता है। आपके साथ भी कभी कभी व्हाट्सएप चैट पे होता होगा कि आपने लिखा तो टाइप तो कुछ और किया, एकदम लिख के सेंड किया तो कुछ और भेज गया। या तो आपसे डिलीट करते हैं या फिर आप उससे सॉरी वगैरह बोल के माफ़ी मांगते हैं। तो जब भी आप टाइटल भेजें तो आप एक ही बार चेक कर लें कि ये स्पेलिंग जो आप भेज रहे हैं वो टाइटल की स्पेलिंग आपकी सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार भेज देते हैं तो हम भी उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो वहाँ से रजिस्टर्ड कर देते हैं, और उसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। आपकी फ़ोटो स्टेट लगती है, एफिडेविट बनेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं सर। काफ़ी सारे लोगों के साथ अप्रूव हो के मीटिंग हो के तब जाके एक फ़िल्म का नाम फाइनल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फिल्म का नाम अप्लाई किया कोई भी मिल जाएगा। टाइटल भी दो तीन तरीके से होते हैं। पहला एक सिंपल टाइटल होता है, जैसे मान के चलो मैं कोई फ़िल्म का नाम बना रहा हूँ, दोहरे, ठीक है, दोहा, भारत, और अपनी दुनिया, तुम्हारी दुनिया, नज़रअंदाज, इस तरह की फिल्म का जो नाम सिंपल सा नाम होता है वो एक सिंगल प्राइस माना जाता है। यानी कि एक टाइटल का जो चार्ज है वो 1000 रुपये हम लोग चार्ज करवाते हैं जल्दी के लिए। लेकिन कभी कभी टाइटल में टैग लाइन आती है, जैसे गदर, गदर हो गया टाइटल, एक प्रेम कथा, ये हो गया इसकी टैग लाइन, जिससे अलग ही दर्शा रहा है कि गदर से और एक प्रेम कथा से कोई मैच नहीं है, तो एक टैग लाइन हो जाती है कभी कभी फिल्म में। तो ऐसी टैग लाइन बहुत सारे टाइटल्स में आती है, उसका चार्ज डबल ही जाता है। कहीं भी आप अप्लाई करेंगे डबल ही जाएगा, क्योंकि वो दो टाइटल माने जाएंगे आपके और उसका चार्ज डबल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूजन निकाल लीजिएगा कि सर आप तो बताते कुछ और हो वीडियो में और यहाँ पे आप टैग लाइन ये गा रहे हो। तो जब भी कोई टैग लाइन होती है हम लोग बताते हैं कि इसका टैग लाइन है। अब अगर कस्टमर बार बार उसको कहता है कि यार आप तो ज़्यादा बता रहे हो बताते हैं, तो हमें मजबूरन फिर इसको ये कहना पड़ता है कि ये टाइटल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल आया है वो टैग लाइन वाला है। एसोसिएशन हमसे टैग लाइन वाले चार्जेस करेगी, है ना, टैग लाइन वाले ही सारी चीज़ें आई जाएंगी, बट कस्टमर मान नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, उसको मना ही करेंगे ना कि सर ये टाइटल अवेलेबल ही नहीं है। अगर कस्टमर मान रहा है तभी तो हम उसको रजिस्टर करवाएंगे कि ठीक है सर करवा देते हैं। बहुत सारे कस्टमर आते हैं टैग लाइन उनको पता नहीं होती, हम लोग बताते हैं कि टैग लाइन है, वो बोलते हैं सर आप करवाइए जो भी चार्जेस है मैं दूंगा, और वो देते हैं तुरंत के तुरंत। कुछ चीज़ें वो देखते होंगे तभी देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे लोगों से पहले काम कराया होता है, चाहे वो अपना डायरेक्टर कार्ड हो, राइटर कार्ड हो, या फिर आपका प्रोडक्शन हाउस का कार्ड हो, या अन्य किसी भी तरह का फिल्म सेंटर वगैरह कुछ भी। वो काम कराने के बाद ही वो ट्रस्ट करते हैं कि हाँ अगर मैं इस बंदे को पे करूँगा तो ये मुझे बहुत अच्छे से करवा के दे देगा और मेरे बाकी का समय वो नष्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे यही जानकारी देना चाह रहा था, जब भी आप कोई फिल्म या कोई भी कंटेंट बना रहे हैं और आपके पास प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड है पहले से, तो अपना टाइटल ज़रूर रजिस्टर्ड करवाइए। टाइटल रजिस्टर्ड करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप फिल्म बनाएंगे तो फिल्म में बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं, दिमाग लगता है, राइटर की कहानी लगती है, फिर VFX पोस्ट प्रोडक्शन, फिर बैनर्स बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, मार्केटिंग होती है ना, प्रचार होता है, तो बहुत सारी मेहनत लगती है। अब ऐसे में आप टाइटल रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं तो फिर बेकार है ना सारा मामला। अगर आप टाइटल रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो मान के चलो आप फिल्म बना रहे हैं, आपने टाइटल रजिस्टर नहीं करवाया जबकि प्रोडक्शन आपके पास है रजिस्टर्ड, अब मुझे पता चला यार इनकी जो फिल्म बना रहे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है, अब मेरे दिमाग में खुरापाती दिमाग आया, मैंने किसी और से शेयर किया ये जो फिल्म बना रहे हैं ना इनका टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी तो शूटिंग ही चल रही है, उधर दूसरे बंदे ने फट से नाम वाम चेंज करके दूसरी फिल्म बना के तैयार भी कर ली और रजिस्टर्ड करवा के काम कर लिया। अब जैसे आप करवाओगे पोस्टर वगैरह वो आप पे क्लेम ठोक देगा, यहाँ पे फट देनी, सर देखिए मेरा टाइटल है इसने फिल्म बना लिया, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो टाइटल ज़रूर रजिस्टर्ड करवाइएगा, किसी के लफड़े में कानूनी चक्कर में उलझिए मत, क्योंकि आप उलझोगे पैसा जाएगा और इधर उधर की बातें बनेंगी बहुत सारी। तो उन सबसे बचने के लिए आप सबसे पहले ही अपना लीगल तरीके से काम लेकर चलिए, आप भी और आपकी टीम भी पूरे तरीके से सेफ होती है, बेधड़क आप काम करते हैं, नज़रअंदाज कुछ मत कीजिए छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि जब आप टाइटल रजिस्टर्ड करवा लेंगे और फिल्म बना के जब उसको सेंसर के लिए ले जाएंगे, सेंसर बोर्ड जब उसको पास करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके टाइटल की कॉपी मांगेगा।
तो टाइटल आपके पास होना चाहिए। टाइटल एक टाइटल और होता है जब सेंसर होता है ना, तो सेंसर के टाइम पे एक टाइटल सर्टिफिकेट और मिलता है, वो और रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसकी फीस अलग होती है, अलग प्रोसेस होता है। तो उसका टाइटल का प्रोसेस मैं आपको फिर कभी अलग अगली वीडियो में बताऊँगा कि जब आप सेंसर करवाते हैं तो उस टाइटल को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और कितना फीस चाहता है, क्योंकि टाइटल सेंसर करवाते वक्त अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो आपका टाइटल सेंसर करवाने में भी काम आएगा, फिल्म को रिलीज करवाने में भी काम आएगा, आप किसी अवार्ड फंक्शन में फिल्म को भेज रहे हैं वहाँ भी आपको टाइटल काम आएगा। तो इसलिए टाइटल ज़रूर करवाइए, और आपको परमिशन लेने वक्त टाइटल की फ़ोटो स्टेट लगानी पड़ जाती है कुछ जगह, वहाँ भी आपको काम आएगा। कुछ राज्य में टाइटल फिल्म के लिए सब्सिडी प्रदान होती है, तो टाइटल वहाँ भी आपको रजिस्टर करवा के दिखाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो मैं जानकारी देना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई सवाल मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दीजिए क्या पूछना चाहते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो लोग प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, जो टाइटल रजिस्टर्ड नहीं करवाते उनको तो ज़रूरी भेजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।